हैदराबाद में आज निकाय चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से भाजपा ने इस छोटे से निकाय चुनाव में अपनी ताकत झोंकी है वो इस बार सबको हैरान कर रही है, क्योंकि मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसी बड़ी वित्तीय वाले सेंस पर राजनीतिक दलों का कब्जा जमाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन हैदराबाद के जीएचएमसी जैसे चुनाव पर सियासी घमासान इस बार सबको चौंका रही है। पिछली बार मात्र 4 सीटें जीतने वाली पार्टी भाजपा ने इस बार चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भले ही चुनाव निकाय का हो, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों के प्रचार में उतारा है, उसने इस निकाय चुनाव को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया है। भाजपा के लिए हैदराबाद निकाय का चुनाव दक्षिण में पार्टी विस्तार के दृष्टिकोण से संयोग नहीं, एक प्रयोग है। भाजपा इसके पहले भी इस प्रकार का प्रयोग कर सफलता प्राप्त कर चुकी है, पार्टी यहां भी इस प्रयोग को दोहराना चाहती है। दरअसल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने साल 2017 में इस प्रयोग की थ्योरी लिखी थी। रोडमैप में परिकल्पना की गई थी कि भाजपा शासन के हर स्तर पर पंचायतों से पार्लियामेंट या P2P तक सत्ता में होगी। शाह की निगरानी में भाजपा इस मॉडल का प्रयोग करके सफलता हासिल कर चुकी है। साल 2017 में पार्टी ने ओडिशा के स्थानीय निकायों के चुनावों में, जहां पार्टी कभी सत्ता में नहीं रही, कई बड़े नेताओं को प्रचार मैदान में उतार दिया जिनका ताल्लुक उसी राज्य से है। पार्टी का ओडिशा फोकस काम कर गया जब उसने जिला परिषद की 853 में से 297 सीटें जीत ली थी, जो 2012 में सिर्फ 36 थीं। ओडिशा में मिली इस जीत ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का रास्ता साफ कर दिया। चुनावों के बाद ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि हर स्तर पर बीजेपी का विस्तार करने के लिए सुनिश्चित करें कि भाजपा पंचायत से पार्लियामेंट तक राज करे। आज उसी रणनीति पर अमल करके भाजपा जीएचएमसी की 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा इस चुनाव को कितनी अहमियत दे रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भूपेंद्र यादव जैसे भाजपा के बड़े नेता, जिन्होंने इसी महीने हुए बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रभारी का जिम्मा निभाया था, अब जीएचएमसी चुनाव प्रचार की निगरानी कर रहे हैं। गौरतलब है कि पार्टी हाल ही में दुबक्का विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से काफी उत्साहित है, जिसे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति का गढ़ माना जाता है। जाहिर है भाजपा जीएचएमसी चुनावों के जरिए पूरे दक्षिण भारत में पैर फैलाने की कोशिश में है, जहां वो सिर्फ कर्नाटक में सत्ता में रही है। वहीं पिछले हफ्ते शाह ने तमिलनाडु का अपना दौरा पूरा किया, जहां अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विधानसभा चुनावों के लिए देश भर का दौरा करते हुए देखा गया है। लेकिन जीएचएमसी में पहली बार होगा कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने इतने वरिष्ठ नेताओं को प्रचार मैदान में उतारा है। ऐसा तो तब भी नहीं हुआ था जब बीजेपी ने अपनी पूर्व सहयोगी शिवसेना के खिलाफ 2017 का वृहन मुंबई नगर निगम चुनाव लड़ा था, जो आपस में लड़ रहे सहयोगियों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भाजपा आज जो आक्रामकता दिखाती है वो 1990 के दशक में नजर भी नहीं आती थी, जब वो एक पार्टी के तौर पर बढ़ ही रही थी। तब स्थानीय चुनावों के लिए शीर्ष नेतृत्व से प्रचार की अपेक्षा करने का सवाल नहीं होता था। ये चुनाव काफी हद तक स्थानीय नेता ही लड़ते थे। मुंबई स्थानीय निकाय एक अपवाद थी, जहां बाल ठाकरे निजी तौर पर प्रचार किया करते थे, क्योंकि स्थानीय निकाय शिवसेना के लिए बहुत ही अहम है। लेकिन तब भी दूसरी पार्टियां कभी अपने बड़े नेताओं को प्रचार में नहीं उतारती थीं। इस समय मोदी और अमित शाह सोच समझकर पार्टी को उन जगहों पर पहुंचाने के लिए केंद्रीय प्रयास कर रहे हैं, जहां उसकी कोई मौजूदगी नहीं है। उस जमाने में नेतृत्व इन चीजों को लेकर इतना व्यवस्थित और आक्रामक नहीं होता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। स्थानीय चुनावों तक में केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों को प्रचार के लिए उतारने की रणनीति भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित रखने और अपने पदचिन्हों का विस्तार करने के लिए अपनाई है। आज के बदलते समय में भाजपा के लिए हर चुनाव अहमियत रखता है और वो हर चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। जहां तक हैदराबाद का सवाल है, इसके दो कारण हैं। बीजेपी उसे एक उपजाऊ जमीन समझती है जहां वो आगे बढ़ सकती है, खासकर आबादी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए। हैदराबाद में कम से कम 52% आबादी हिंदू है और 44% मुस्लिम है। सीनियर नेताओं को स्थानीय चुनाव में प्रचारकर्ता देखना निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है, जो अभी इलाके में पार्टी को आकार देने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी के लिए ये एक ऐसा तरीका भी है जिससे वो 2024 और 2023 के प्रदेश चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रही है, चाहे वो जीतें या हारें, लोग उसके प्रयासों को जरूर देख सकते हैं। जीएचएमसी के दायरे में 24 विधानसभा चुनाव क्षेत्र आते हैं, जो तेलंगाना सदन की 119 सीटों का 20% है। बीजेपी का मूल उद्देश्य चुनाव लड़ना और जहां भी हो स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है।
वरिष्ठ नेताओं की सहभागिता से स्थानीय स्तर पर एक संदेश जाता है कि पार्टी सभी चुनावों को लेकर गंभीर है। बात सिर्फ हैदराबाद की ही नहीं है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनावों में भी भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रचार किया है। जाहिर है इससे पार्टी के पदचिन्हों को विस्तार देने में मदद मिलती है, लोगों के साथ संवाद तो कायम होता ही है, साथ ही ऐसे अवसर स्थानीय नेतृत्व को भी ऊपर उठाने का मौका देते हैं और इसी के जरिए भाजपा का चुनाव दर चुनाव बूथ लेवल का ढांचा मजबूत हुआ है। अब आने वाले दिनों में भाजपा का ये सियासी दांव दक्षिण में क्या बढ़त दिलाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। विभाकर झा, DNP इंडिया, नोएडा।